हाय गाइस, मेरे इस वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियो टूल बॉक्स रिलेटेड कि बहुत सारे लोग अपने स्मार्टफोन के अंदर वीडियो टूल बॉक्स यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है एंड जो भी आप फीचर्स होते हैं वीडियो टूल बॉक्स के उसको अपने स्मार्टफोन के अंदर इनेबल नहीं कर पा रहे हो, इसके पीछे के रीजन क्या है। चाहे आप किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, आप अगर वीडियो टूल बॉक्स को यूज नहीं कर पा रहे हो अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो किस तरीके से अपने स्मार्टफोन के अंदर वीडियो टूल बॉक्स को यूज कर सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स के साथ इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को तो वीडियो टूल बॉक्स का असल में नाम ही नहीं मालूम है कि उसका एक्चुअल नेम क्या है, फिर जो भी अपडेट्स के बाद से उसका नाम चेंज हुआ है उनका वो नाम ही नहीं मालूम है। एंड बहुत सारे लोगों के स्मार्टफोन में वीडियो टूल बॉक्स पहले से था, पहले से वर्क भी कर रहा था, बट जैसे ही उन्होंने अपने स्मार्टफोन को अपडेट किया उनका वीडियो टूल बॉक्स गायब हो चुका है एंड उसके कोई भी फीचर्स वो यूज नहीं कर पा रहे। सो इन सभी चीजों को क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर एंड डिटेल्स के साथ जानेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करना है एंड किस तरीके से हम अपने किसी भी स्मार्टफोन के अंदर वीडियो टूल बॉक्स का यूज कर सकते हैं, नो मैटर कि आप किस कंपनी का स्मार्टफोन यूज करते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि वीडियो टूल बॉक्स का नाम क्या रखा गया, क्योंकि वीडियो टूल बॉक्स पहले था अभी इसका नाम चेंज हो चुका है। तो वीडियो टूल बॉक्स का जो नाम चेंज हुआ है और वीडियो टूल बॉक्स का नाम चेंज करके स्लाइड बार रखा गया है। तो जब भी आप अपने सेटिंग के अंदर जाए तो वहां पे वीडियो टूल बॉक्स सर्च करने की जगह आप स्लाइड बार सर्च करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। सेकंड चीज, अपडेट के बाद से बहुत सारे लोगों के स्मार्टफोन के अंदर से वीडियो टूल बॉक्स गायब हो चुका है, वो सर्च करने के बाद भी नहीं आ रहा है। तो अपडेट अगर आपने स्मार्टफोन को कर लिया है तो सबसे पहले आप ट्राई करो कि आप सर्च कर लो एक बार स्लाइड बार अपने सर्च बॉक्स में, मे बी आपको मिल जाए वीडियो टूल बॉक्स का फीचर। अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है कि आपको एक फीडबैक सेंड करना पड़ेगा। देन जैसे आप फीडबैक सेंड करोगे तो हो सकता है मे बी 24 आवर के अंदर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड वीडियो टूल बॉक्स का फीचर मिल जाए। या फिर अगर आपके स्मार्टफोन में ये फीचर नहीं आ रहा है अपडेट के बाद से, तो मे बी हो सकता है वो अपडेट जिसको आपने किया है उसके अंदर इस फीचर को हटा दिया गया है। वेल, ये तो वो बातें हो गई जिनके स्मार्टफोन के अंदर अपडेट के बाद से वीडियो टूल बॉक्स शो नहीं कर रहा है। बट उनका क्या जिनके स्मार्टफोन में बिल्कुल भी वीडियो टूल बॉक्स शो कर ही नहीं रहा, चाहे उन्होंने अपडेट किया हो या ना किया हो। तो इसके लिए मैं आप सभी को एक बहुत तगड़ी चीज बताता हूँ कि अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर शुरुआत से यानी कि स्टार्टिंग से ही वीडियो टूल बॉक्स शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर वीडियो टूल बॉक्स शो करने लगे। एंड आप भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्मार्टफोन यूज करते हो, लाइक पोको, वीवो, मतलब इस तरीके के बहुत सारे फोन है जिनको आप यूज करते हो एंड उनके अंदर वीडियो टूल बॉक्स के फीचर का यूज करना चाहते हो। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। वो बाकी सभी चीजें मैं आप सभी को स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे समझाऊंगा। ओके, वेल, हम अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हमें वीडियो टूल बॉक्स को यूज करना है तो फिलहाल मेरे स्मार्टफोन के अंदर तो वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, बट जिनके स्मार्टफोन के अंदर वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो उनको क्या करना है ये बताता हूँ। तो सबसे पहले आप अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लो। आफ्टर ओपन गूगल प्ले स्टोर आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है, सर्च करना है साइड बार, या आप वीडियो टूल बॉक्स भी सर्च कर सकते हो। मे बी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आपको इस वाले एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, मल्टी विंडो साइड बार को, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। देन जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो सिंपली आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, आपको सिंपली लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा ये सैमसंग थीम पे बेस्ड है। अंदर यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक्टिव और थीम का, तो सिंपली आपको एक्टिव पे क्लिक करना है। आप डिस्प्ले ओवर अदर एप्स वाले पेज पे आ जाओगे एंड यहाँ से आपको उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। अब जैसे आप इसे इनेबल करेंगे, कट करके आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे आपको थोड़े से एड्स देखने को मिल सकते हैं। देन सिंपली आपको कंटिन्यू टू ऐप मल्टी विंडो पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि साइड में कुछ ऐसा ये आइकन बन के आया। सिंपली आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ऊपर 3 लाइंस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे जिनको आप सिंपली क्लिक करके ऐड कर सकते हो अपने साइड बार के अंदर एंड आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। आप चाहो तो इसका थीम भी चेंज कर सकते हो, सिंपली थीम पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको मल्टीपल्स थीम मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ से हम अपने होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब यहाँ से मैं अपना ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब एंड देन यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ से मैं किसी भी एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकता हूँ इजिली, बट यहाँ पे ये मल्टी विंडो की तरह काम नहीं करता है। जैसे ये स्लाइड बार का तो काम करता है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो बट एक साथ आप दो एप्लीकेशंस को एक्सेस नहीं कर सकते हो, यानी कि ये जो फ्लोटिंग विंडो होता है उसकी तरह काम नहीं करता है। तो सिंपली जैसे कि मैं यहां से आपको दिखा दूं, अगर मैं यहां से शेयर मी ओपन करता हूं तो शेयर मी में सीधा ये एप्लीकेशन मुझे लेकर चला जाएगा। वैसे ही अगर मैं कोई और अनदर एप्लीकेशन ओपन करता हूं तो ये मुझको उसमें लेकर चला जाएगा, यानी कि ये फ्लोटिंग विंडो की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बट हाँ, थोड़ा बहुत काम चलाओ तो है, मतलब आप थोड़ा सा जल्दी एप्लीकेशंस को एक्सेस ले पाओगे। बट यार, जो वीडियो टूल बॉक्स है उसकी बात ही अलग है। तो आप ट्राई करो कि आपके स्मार्टफोन के अंदर वो फीचर आ जाए, फीडबैक्स वगैरह ट्राई करो भेज के, ताकि वो जो फीचर है आपके स्मार्टफोन के अंदर चला। ओके गाइस, वेल, यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आप सबको काफी पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।